अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, इसका लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। इसमें हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल हम कहते हैं ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है, जिनमें प्लांट्स और बैक्टीरिया वगैरह ज्यादातर होते हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर पाया जाता है। सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सेल की, वो ये होती है प्लांट्स के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेल वॉल का जो फंक्शन है, सेल वॉल अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू इट, वो हर चीज को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दे देती है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन जब हम देखें, इसकी कंपोजिशन पे जब हम आते हैं, तो प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल सबसे पहले बनती है, ठीक है, सेल्स में सबसे पहले बनती है प्राइमरी वॉल। ये बेसिकली सेलुलोज से बनती है, इससे बनती है, ये सेलुलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी वॉल जो होती है ये कुछ सेल्स में बनती है, सब सेल्स में ये बनती भी नहीं है, ठीक है। और ये इनर टू दी प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल से अंदर वाली साइड के ऊपर एक सेल के अंदर क्या होगी, वो सेकेंडरी वॉल बनेगी, ठीक है। एक सेल, अगर ये प्लांट सेल है एक, ठीक है, तो ये इसकी साइटोप्लाज्म होगी, बाहर ये सेल वॉल है, ठीक है। ये यहां पर प्राइमरी सेल वॉल है, तो सेकेंडरी सेल वॉल कहां पर बनेगी, ये इनसाइड दी प्राइमरी वॉल ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये किससे बनती है, ये लिग्निन एंड अदर कंपाउंड्स, ये लिग्निन से बनती है, और लिग्निन की तरह के जो बाकी कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी वॉल बनाते हैं, ठीक है। अब हम फंजाई के अंदर देखें सेल वॉल और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल देखें, तो उसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पेप्टाइडो ग्लाइकेन का म्यूरिन, ठीक है। अब इसी तरह जब हम फंजाई के अंदर देखते हैं, फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन वो टोटली डिफरेंट है, फंजाई के अंदर सेल वॉल बनती है काइटिन से, ठीक है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन जब आप देखें, तो प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया में और फंजाई में, तीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इनमें देखें तो प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल वो सेलुलोज से बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन और लिग्निन की तरह के और भी कंपाउंड्स होते हैं जो मिलकर सेकेंडरी वॉल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर अगर हम सेल वॉल देखें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है, जबकि फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है। सेल वॉल के फंक्शन जब हम देखें तो फंक्शन में एक तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। सेकेंडली हम देखें तो ये किसी भी सेल को जो शेप है वो दे रही होती है, ठीक है। थर्ड चीज देखें तो ये सेल को क्या कर रही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हैं सेल वॉल के, इन तीनों फंक्शंस को, इन तीनों में से अगर देखें तो प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट, ठीक है, ये तीनों चीजें सेल को प्रोवाइड कर रही होती है। एनिमल सेल को देखें ना, तो एनिमल सेल के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्शन भी इतनी नहीं होती, शेप भी उसकी इतनी कोई स्पेशल नहीं होती, और सपोर्ट भी क्या होती है, उसको कम मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 का हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं इट इज द आउटर कवरिंग एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स, सब सेल्स के अंदर ये एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर मौजूद होती है सेल के बाहर, साइटोप्लाज्म से बाहर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सम क्वांटिटीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास मॉडल है, हम उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है।
फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो लेयर्स क्या होती हैं, वो कंसेक्यूटिवली क्या होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन बाई लेयर्स के अंदर कहीं कहीं पर क्या होता है, वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो फ्लोट कर रही होती है प्रोटीन इन मोजैक मैनर, ठीक है। वो मोजैक मैनर के अंदर क्या कर रही होती है, वो फिक्स नहीं होती, वो कन्फाइंड नहीं होती, बल्कि वो कहीं कहीं पर मौजूद होती है। और वो क्या होती है, वो मोजैक मैनर में मीन्स के वो फिक्स नहीं होती। वो यहाँ पर जैसे एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिपिड इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर, ठीक है। और यह क्या है हमारे पास, ये प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है। तो मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स ही पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या अटैच हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ क्या हो सकते हैं, वो अटैच हो सकते हैं। अगर लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो हम उनको नाम देंगे ग्लाइको लिपिड्स का, ठीक है। अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तो हम उन प्रोटीन्स को नाम देंगे ग्लाइको प्रोटीन्स का, ठीक है। तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन्स कहीं कहीं पर मोजाइक मैनर के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ क्वांटिटीज, सम क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस मॉडल के मुताबिक लिपिड सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है। इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। ये एक बैरियर का काम करती है, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है, ज्यादा चीजों को ये क्या करती है, ये रोक लेती है, ठीक है। खास तौर पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं गुजर सकते, आयनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या चार्ज्ड पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं हो सकते। अदरवाइज देखें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, ठीक है, ये फ्रीली इजीली क्या हो जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शंस देखें तो ये क्या करती है, एज ए बैरियर काम करती है, ठीक है। अब सेल के अलावा ये मेम्ब्रेन कहां पर पाई जाती है, जो सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उन ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या होता है, उन ऑर्गेनेल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, उसकी भी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक तो सेल मेम्ब्रेन की तरह की मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जितने भी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल में आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।